छोटो बच्चो है नागिनी है यार। नागिनी तो गाय का खोर है पीछे। नागिनी तो है गाय का खोर है उसके पीछे। ये लाइट में चलो या बैटरी लाइट में चलो। लाइट में चलो वीडियो को यार वो पार्ट भी सबको पकड़ लीजिए। जय श्री महाकाल दोस्तों। चलो हम आए छापी एड़ा से 5 किलोमीटर दूर है खजूरीहारी गांव हमारे यहाँ पे कस्बा पड़ता है। वहाँ पे सांप देखा गया रात के समय का वक्त है तो निकालते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ कि कौन सा सांप है। दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं आपको कि कहाँ छिपा हुआ है सांप। ये देखिए ईंटें जमी हुई है, इन ईंटों के अंदर ही वो सांप बैठा हुआ है परिजन का कहना है। तो निकालते हैं और दिखाते हैं कि कितना बड़ा सांप है। दोस्तों वो सांप जिस हिसाब से इन ईंटों में छिपा हुआ है उस अंदाजे से तो लग रहा है कि काफ़ी बड़ा नहीं होगा वो सांप जब भी इतनी छोटी जगह में छिप गया जाके। यदि बड़ा होता तो थोड़ा बहुत हमें इधर उधर दिख जाता। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी है। लगभग 2.5-3 फीट के लगभग होगा ये। ये देखिए खुद को ही काटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये इस वक्त काफ़ी गुस्से में है और जो छोटा रहता है सांप वो ज़्यादा ही गुस्से वाला रहता है। छोटा सांप पलटी भी मारने का खतरा बना रहता है दोस्तों। ये देखिए ये काफ़ी गुस्से में है इसलिए फन पे लेके बैठ गया है दोस्तों। ये एक बेजुबान प्राणी है दोस्तों, इसे बचाने का प्रयास करें आप भी। यदि आपके घरों के आसपास कहीं भी ऐसा कोई जहरीला जीव दिखे तो आप बिना उसे नुकसान पहुंचाए हमें सूचना दें, हम हर समय प्रयास करेंगे उस बेजुबान को बचाने का। तो दोस्तों हमने अब इसे डिब्बी में भरने के लिए डिब्बी को रख दिया है और इसे हम पैक करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इस डिब्बी के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन के लिए नहीं बना हुआ है तो हमें ऑक्सीजन के लिए इसमें छेद करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से अपनी सांस ले सके, इसीलिए हम इसमें 1-2 छेद कर देंगे। दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा है, ये भी जहरीला जीव है। इसके काटने पर कभी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े क्योंकि ये एक जहरीला जानवर है। इसके काटने पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। जब भी ये काट ले आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और एंटीविनम इंजेक्शन ले, नहीं तो आपकी 40 से 50 मिनट के अंदर मृत्यु भी हो सकती है। तो धन्यवाद, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्नेक आर्मी छापेड़ों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अब दोस्तों हमने रेस्क्यू किया था
उसे हम जंगल में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, जो रास्ते में हमारे यहाँ जंगल पड़ता है, तो दिखाते हैं आपको रिलीज करके। बेटा को